हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी। तो फिर से एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए फिर से एक और शादी की वीडियो लेकर आया हूं, जिसे आज आपको हलवाई खुश चाउमीन बनाना सिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में भीड़ लगी हुई है। इतनी भीड़ शायद आपने कभी नहीं देखी होगी। तो फ्रेंड्स, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार करता हूं सभी। तो मैं हूं सोनू जैन और आप सभी का अपने YouTube चैनल जेनिस्ट्री फास्टफूड में स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहां भैया शादी वाली चाउमीन बना रहे हैं। ये भैया ने यहां पर कितना बड़ा भगोना लिया है और उसमें लिया है काफी सारा पानी, जिसे हाई फ्लेम पर बहुत ही अच्छी तरह से बॉइल किया है। तो यहाँ भैया 10 से 15 लीटर पानी को पहले उबालेंगे, जिसे हाई फ्लेम पर बहुत ही अच्छी तरह से बॉइल किया है और उसमें काफ़ी तेज उबाल आ रहा है। अभी भी अगर आप घर पर चाउमीन बनाए तो आप उसमें पहले पानी को इसी तरह से बॉईल कर लें और फिर इसमें चाउमीन डालें। तो यहाँ भैया चाउमीन बना रहे हैं, क्वांटिटी में ये बना रहे हैं। यहाँ इन्होंने 6 से 7 पैकेट चाउमीन के लिए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग चाउमीन के पैकेट ले सकते हो। अब हम इसे अच्छी तरह से चलाएँगे और अब हम इसमें चिकनाई डालेंगे। चिकनाई में हमने यहाँ 250 से 300 ग्राम रिफाइंड डाला है। इसे हम हल्का सा और चलाएंगे। 10 से 15 मिनट में ही ये अच्छी तरह से बॉयल हो जाती है। 15 मिनट बाद आप इसे चेक करते हैं तो ये काफ़ी अच्छी तरह से बॉयल हो चुकी है और इसमें काफ़ी चिकनाई भी आ गई है। अब हम इसे भगोने को गैस पर से उतार लेंगे और इसके सारे पानी को हम निकाल देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं भैया ने इसके गर्म पानी को निकाल दिया है। अब क्या करना है, इसे 3 से 4 बार भैया इसे ठंडे पानी में धोएंगे। आप देख सकते हैं भैया ने किस तरह से ठंडे पानी में धो रहे हैं। ठंडे पानी से हम इसलिए धोते हैं इसे ठंडा करने के लिए, और जो इसमें चिपचिपापन होता है वो निकल जाता है और ये टूटती भी नहीं है। अब इसे इस तरह से उछाल लेंगे तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अलग अलग हो चुकी है। आप चाहे तो इसमें हल्का सा रिफाइंड ऑयल लगा सकते हैं जिससे ये चिपके नहीं। तो फ्रेंड्स, चाउमीन तो हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसे कैसे बनाएंगे वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाता हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो आप देख सकते हैं भैया ने जो चाउमीन बनाई है वो शादी के लिए रेडी की है और काफ़ी अच्छी तरह से डेकोरेट किया है। तो भैया को तो एक लाइक बनता है, तो फटाफट से चाउमीन बना लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कढ़ाई को गर्म कर लिया है। तो सबसे पहले डालेंगे हम इसमें बारीक कटी हुई पत्ता गोभी और बारीक कटी हुई प्याज और ये थोड़ी शिमला मिर्च। अब इसे अच्छी तरह से भून लें। जब ये अच्छी तरह से भून जाए तो इसमें ऐड करेंगे हम विनेगर। जिस तरह से भैया इसमें इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं वैसे वैसे ही आपको इसमें ऐड करना है और ये डाल लेंगे इसमें चाउमीन और इसमें मसाले को भी हम ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले डालेंगे हम इसमें पीली मिर्च और ये डालेंगे इसमें गरम मसाला और ये डालेंगे इसमें नमक और ये थोड़ी पिसी हुई काली मिर्च और ये डाला है इसमें अजीनोमोटो। अब ये सारे मसाले अच्छी तरह से डल चुके हैं, इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे जिससे ये मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और ये अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें डाला है ये सिरका, अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, आपकी चाउमीन बनकर एकदम रेडी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं खुद कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में भीड़ लगी हुई है, जिससे ये पता चलता है भैया ने चाउमीन बहुत अच्छी बनाई है। और आप भी इसे गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। तो कैसी लगी भैया की चाउमीन हमें ज़रूर बताइएगा और अब आप इस चाउमीन को एक बार घर पर ज़रूर बनाइएगा। तो मसालों में हमने यहाँ पर इन मसालों का यूज किया था। आप इन मसालों से बहुत ही टेस्टी चाउमीन बना सकते हैं, जिसमें विनेगर, सिरका और नमक, अजीनोमोटो, गरम मसाला, काली मिर्च पाउडर और पीली मिर्च और बारीक कटी हुई पत्ता गोभी। आप इसमें यहाँ पर सफल मटर और इसमें सोयाबीन भी इसमें डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा कैसा लगा हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके घंटे का बटन दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।